प्रदेश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर सुधरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सोमवार को फिर से प्रदूषण की जो क्वालिटी है वो फिर से गिरती हुई नजर आई है। और अगर हम सोमवार के ही वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो वो फिर से बेहद खराब श्रेणी में आ गया है और 320 पर कल का प्रदूषण का स्तर नापा गया, यानी कि फिर से जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली होने लगी है। और अगर हम PM 2.5 लेवल की बात करें तो 179 उनका लेवल रहा और PM 10 का लेवल 338 रहा। तो एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है और सिग्नेचर ब्रिज पर आप देख सकते हैं क्या हालात हैं प्रदूषण के। इतनी मोटी चादर स्मॉग की सुबह से ही यहाँ पर देखी जा रही है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, जीना लोगों का मुहाल है। प्रदूषण से लोगों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बीते कुछ दिनों जब हवा की गति बढ़ी थी तब प्रदूषण का स्तर बढ़ा था, लेकिन आने वाले दिनों में जब तापमान और घटेगा और जो हवा की गति है वो और कम होगी तो प्रदूषण के क्या हालात रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि इतना प्रदूषण बढ़ गया है, ऐसे में आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? हम समस्या को तो हम बहुत सामना करना पड़ रहा है, सांसें फूल रही हैं, बच्चों को दिक्कत हो रहा है, महिलाओं को दिक्कत हो रहा है दौड़ने ओढ़ने में, मॉर्निंग वॉक करने में। आप बताइए, सुबह के समय आप सैर करने घूमने के लिए निकलते हैं, ऐसे में इतना प्रदूषण होता है तो क्या आपकी समस्या रही? मेरी तो ये समस्या है कि मैं अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करने के लिए आया हूँ कि मुझे ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, पर मैं बाहर आके देखता हूँ और आज पहले दिन मैं ढंग से घूमने भी आया सिग्नेचर ब्रिज तो सेल्फी भी ले रहा हूँ तो एकदम वाइट चादर से नजर आ रही है। इसका मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, वाहन इतनी सारी चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। रुमाल जो वाइट कलर का मैं पहन लाता हूँ, अभी जब मैं मुंह पोछूंगा एकदम काली काली लेयर दिखेगी इस रुमाल पे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूशन से लोगों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली की हवा की गुणवत्ता थी, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी थी वो पुअर श्रेणी में आके एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट उसमें देखा गया था, लेकिन फिर से दिल्ली की हवा में जिस तरीके से जहर घुलने लगा है उससे समस्याएँ बढ़ने के आसार हैं और लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनकी बढ़ने की आने वाले दिनों में भी आशंका है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।